स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री की एक और वीडियो में स्वागत है आपका दोस्तों। कौन कौन से टॉपिक्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे? रिवॉल्ट ऑफ ढूंढिया इन बेदनूर, फिर रेजिस्टेंस ऑफ केरला वर्मा, पजशी राजा इनका नाम था, किस किस फेजेस में रिबेलियन हुआ इसके बारे में बात करेंगे, सिविल रिबेलियन इन अवध इसमें क्या हुआ, यहाँ पे मैसेकर ऑफ बनारस के बारे में बात करेंगे, फिर अपराइजिंग इन गंजम जो कि ओडिशा का कोस्ट है उस समय पे नॉर्दर्न सरकार में आता था, तो गंजम में एक जगह है गुमसूर, यहाँ पे जब अपराइजिंग हुई थी वो भी दो फेजेस में हुई थी 1800 बाद में 1835 टू 1837 इसके बारे में बात करेंगे। अपराइजिंग इन पलामू ये झारखंड में हुई थी सुरगुजा के इलाके के आसपास। पलामू आज की डेट में झारखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है, सुरगुजा छत्तीसगढ़ में डिस्ट्रिक्ट है, तो इनकी लोकेशंस को भी देखेंगे। और फिर फाइनली पॉलीगर रिवॉल्ट, ये पॉलीगर रिवॉल्ट दो फेजेस में हुआ है, इन फेजेस को भी हम लोग एनालाइज करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आई होप आपने ये किताब खरीद ली होगी और मेरे साथ इस किताब को बैठ के पढ़ रहे होंगे। वीडियो पे लाइक का बटन जरूर दबा दें और कभी भी आपको आगे लगे कि वीडियो आपके काम की है तो इसको शेयर जरूर करिएगा। यहाँ पे एक पर्सन की बात करना चाहूंगा, जब रिवॉल्ट इन ढूंढिया की बात हो रही है इन बिदनूर, तो सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा ये ढूंढिया कौन है। ढूंढिया वाघ नाम का एक मराठा एडवेंचरर था दोस्तों। शुरुआत में जब टीपू सुल्तान का राज था इस मैसूर के इलाके में, अगर आप मैसूर की लोकेशन देखो तो इस मैप में आपको मैसूर की लोकेशन नजर आ रही है। लमसम इतने इलाकों में मैसूर राज्य फैला हुआ था, थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम होता रहता था। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में जब टीपू सुल्तान हार गया तब इस मैसूर की बाउंड्रीज बहुत कम हो गई, हालांकि वो एक अलग चीज है, उसमें ना जाते हुए मैं आपको ये बताता हूँ कि देखिए टीपू सुल्तान जब राज कर रहा था, टीपू सुल्तान एक बहुत स्ट्रांग रूलर था, अपने पिताजी हैदर अली की तरह ही वॉज वेरी स्ट्रांग रूलर। तो ढूंढिया वाघ ये एक मराठा एडवेंचरर था, ऑब्वियस सी बात है ये एडवेंचरर टीपू सुल्तान की अथॉरिटी को रेगुलर चैलेंज करता था, टीपू सुल्तान के डोमिनियंस में घुस के ये मिलिट्री अटैक्स करता था, रेड्स डालता था, चीजों को लूटता था। तो टीपू ने इसको हरा के इसको कैप्चर किया, इसको फोर्सिबली इस्लाम में कन्वर्ट किया और उसको जेल में डाल दिया। ओके 1799 में ढूंढिया वाघ को जेल में डाल दिया टीपू सुल्तान ने। लेकिन फिर आप देखोगे मैसूर गिर जाएगा, टीपू सुल्तान हार जाएगा। बैटल ऑफ सेरिंगपटम के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं 1799 फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, टीपू सुल्तान हार जाएगा। जब टीपू सुल्तान का कंट्रोल चला जाएगा उस समय पे जो ढूंढिया वॉग है ये जेल के बाहर आ जाएगा, और जब ये जेल के बाहर आ जाएगा तो अब इसका जो अपोनेंट होगा वो टीपू सुल्तान नहीं होगा, अब इसका अपोनेंट होगा ब्रिटेन की कंपनी। चूंकि ढूंढिया वॉग एक ऐसा रूलर था जो कि कभी किसी के अंदर नहीं रह सकता था, उसको चाहिए थी इंडिपेंडेंस, तो पहले वो टीपू सुल्तान से लड़ रहा था, टीपू सुल्तान उसको दबाने की कोशिश कर रहा था, टीपू सुल्तान के बाद अंग्रेज उसको दबाने की कोशिश करेंगे और वो अंग्रेजों के सामने भी घुटने नहीं टेकेगा, तो वो अंग्रेजों के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आएगा। अब देखिए दोस्तों जब फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर खत्म हुआ, ये जो इतना बड़ा मैसूर स्टेट था इस पूरे मैसूर स्टेट पर अंग्रेजों ने कब्जा नहीं किया, इस मैसूर स्टेट के कुछ भागों को मराठास को दे दिया गया, कुछ भागों को हैदराबाद के निजाम को दे दिया गया, तो एक मिक्स सा बंटवारा हो गया, सबने खिचड़ी पका दी मैसूर में, टीपू सुल्तान एलिमिनेट हो चुका था। लेकिन आप देखिए टीपू सुल्तान जब राज कर रहा था तो बहुत सारे जो नेटिव रूलर्स थे अलग अलग जगहों पे लोकल इलाकों में जो रूलर्स राज करते थे उनको टीपू सुल्तान ने दबाया था। ऑब्वियस ही बात है वो जो लोकल नेटिव रूलर्स होंगे जब टीपू सुल्तान मरेगा तो उनके एक आशा दिखेगी कि हाँ भाई अब हम फिर से इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, ऑटोनॉमस हो सकते हैं, बट इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस होने के लिए उनको अंग्रेजों से लड़ना पड़ेगा। तो ये जो ढूंढिया वाघ का नाम का पर्सन है ये ऐसे ही डिसग्रंटल्ड रूलर्स, मतलब वो रूलर्स जो कि पहले टीपू सुल्तान के अंदर थे, अंग्रेजों के आने के बाद वो अपनी ऑटोनॉमी डिक्लेयर करना चाहते थे, उनके साथ मिलकर ढूंढिया वाघ अंग्रेजों की अथॉरिटी को चैलेंज करेगा। अंग्रेजों के साथ इसका एक छोटा सा वॉर भी होगा अगस्त 1799 में, और अगस्त 1799 के इस वॉर में ढूंढिया वॉग हार जाएगा। जब ये ढूंढिया वॉग हार जाएगा तो हार के ये भाग के मराठा की जो डोमिनियंस है वहां पे जाके ये छुप जाएगा, और आप देखोगे जहां जहां पे भी ये ढूंढिया वॉग जाएगा वहां वहां के जो रूलर्स हैं ये उन रूलर्स को अंग्रेजों के खिलाफ भड़काने की कोशिश करेगा। ये वहां पे जाके उन रूलर से बोलेगा कि इन अंग्रेजों पे भरोसा मत करो, इसने टीपू सुल्तान को हराया, इसने देश के दूसरे भागों में दूसरे इंडियन रूलर्स को हराया, ये अंग्रेज बाहर वाले हैं इन पे कभी भरोसा मत करो। तो जब इस तरीके की एक्टिविटी कोई रूलर करेगा अंग्रेजों के अगेंस्ट में तो अंग्रेजों को ऑब्वियसली समझ में नहीं आएगा, अंग्रेजों को पसंद नहीं आएगा। फाइनली आप देखोगे कि ब्रिटेन
की फोर्सेस से लड़ते लड़ते सितंबर 1800 में धुंधिया वॉक की मौत हो जाएगी। लेकिन जब ये मरेगा भी ना धुंधिया, उसके बाद भी कई समय तक इसके जो फॉलोअर्स हैं इसको बहुत अच्छा मानेंगे। आज की डेट में इन इलाकों में धुंधिया वॉक को भी याद किया जाता है। क्यों? क्योंकि धुंधिया वॉक एक एफिशिएंट, आप कह सकते हो एक एबल रूलर था जो कि मासेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता था। वो लोगों को नेशनलिज्म की फीलिंग जगाता था। वो हमेशा लोगों को बोलता था कि जो अंग्रेज हैं ये बाहर से आके हमको राज कर रहे हैं, ये हमारे राजा नहीं हो सकते, हमारे राजा हम खुद हैं। तो एक ऐसी फीलिंग इसने लोगों के अंदर जगाई कि लोग इसके फॉलोअर्स बन गए। इसीलिए अंग्रेज इस धुंधिया वॉक से काफी नाराज रहते थे। तो ये जो रिवॉल्ट ऑफ धुंधिया है इन बेन्नूर, इसलिए इसको याद किया जाता है, 1799 से 1800 के टाइम पीरियड में था। अब इतना फेमस तो नहीं है ये पूरे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की बात की जाए, बट उस इलाके में जिस इलाके में ये धुंधिया एक्टिव था, मैसूर के जो आसपास का इलाका है, वहां पे आज भी धुंधिया को याद किया जाता है। अगला जो रिवॉल्ट है वो है रेजिस्टेंस ऑफ केरल वर्मा पजसी राजा 1797 और 1800 से लेकर 1805। इसमें देखते हैं क्या है। अब सबसे पहले तो दोस्तों ये जो केरल वर्मा पजसी राजा है, ये इनकी पोर्ट्रेट है। ये काफी रेनाउंड लीडर थे उस इलाके के। इनको क्या क्या बोला जाता था? तो इनको केरला का सिंहम बोला जाता था, लॉयन ऑफ केरला, पाइचे राजा। ही वॉज द डी फैक्टो हेड ऑफ कोट्टायम इन मालाबार रीजन। तो कोट्टायम डिस्ट्रिक्ट जो आज की डेट में है केरला की, ये यहाँ पे आपको नजर आ रही है, इसके आसपास का इनका इलाका था। जितनी आज की डेट में कोट्टायम के डिस्ट्रिक्ट है उससे थोड़ा बड़ा होगा। एग्जैक्ट इस मैप में मत जाइए, बस मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि कौन से प्रेजेंट डे इलाके में यह बवाल हुआ था। अब 1790 से लेके 1792 में हुआ थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर टीपू सुल्तान और अंग्रेजी की फोर्सेस के बीच में। ये जब वॉर शुरू हुआ 1790 में, तो 1790 में आप देखिए दोस्तों, ये जो टेरिटरी है ना कोट्टायम की, वो उस समय के मैसूर स्टेट के बाउंड्री पे थी। अगर इस मैसूर स्टेट को मारो और अगर इतना केरला मानो, तो यहां कहीं पे ये कोट्टायम नाम की टेरिटरी थी। ओके, तो आप देखिए ये मैसूर की बाउंड्री पे थी लमसम। इस कोट्टायम के राजा से अंग्रेजों ने बोला कि ठीक है, देखिए आप हमारे साथ डीलिंग कर लीजिए, हम अभी मैसूर के साथ एक जंग लड़ रहे हैं, जब हम मैसूर के साथ ये जंग जीत जाएंगे उसके बाद हमारी आपकी दोस्ती रहेगी, हम आपके साथ दोस्ती कर लेंगे, मिलके राज करेंगे, ये बोला गया। तो शुरुआत में 1790 में जो अंग्रेजों ने एग्रीमेंट किया कोट्टायम के राजा के साथ, उसमें कोट्टायम के राजा को क्या प्रॉमिस किया गया कि हम आपको पूरा इंडिपेंडेंस देंगे। 1792 में थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में जब अंग्रेज जीत गए, टीपू सुल्तान हार गया, तो टीपू सुल्तान के तो आधी टेरिटरी छीन ही ली अंग्रेजों ने, साथ साथ कोट्टायम के राजा केरल वर्मा पजसी से जो प्रॉमिस किया था अंग्रेजों ने, उस प्रॉमिस पे वो पीछे चले गए। आपको पता है अंग्रेज एक नंबर के धोखेबाज किस्म के आदमी है, कॉलोनियल पावर्स हमेशा धोखेबाज होती है, वो कभी भी अपने शब्दों पर ना टिकती है। तो जो फ्रेंच कॉलोनियल पावर थी वो भी अपने शब्दों पर नहीं टिकी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भी अपने शब्दों पर नहीं टिकती है, और ये जो चाइना का प्रेजेंट कॉलोनियल अंपायर है वो भी किसी भी पहले किए गए बॉर्डर एग्रीमेंट पे नहीं टिकता है। जितनी भी एक्सपेंशनिस्ट पावर होती है वो जो वादे करती है ना, उन वादों का एक्चुअली में कोई मतलब नहीं होता है। तो जो वादा कोट्टायम के राजा पजसी राजा के साथ किया गया, उस वादे से ये जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वापस पलट गई, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस इलाके पे कंट्रोल करने के बाद कोट्टायम में पजसी राजा को हटा दिया और उसकी जगह गद्दी पर किसको बैठा दिया, वीर वर्मा को। वीर वर्मा नेफ्यू था, देखिए ये जो वीर वर्मा टू हुम राजा वॉज अ नेफ्यू, तो ठीक है, तो वीर वर्मा का नेफ्यू था राजा, वीर वर्मा को गद्दी पर बैठा दिया गया और राजा ऑफ केरल पजसी राजा को हटा दिया गया। अब पजसी राजा की काफी इज्जत थी दोस्तों, इस जगह के लोग पजसी राजा को मानते थे। जब इस तरीके की चीज होगी कि पजसी राजा को हटा दिया गया और उसकी जगह वीर वर्मा को गद्दी पर बैठा दिया गया, तो लोगों को गुस्सा आएगा। प्लस ये जो वीर वर्मा था ये अंग्रेजों के हिसाब से काम कर रहा था। वीर वर्मा का बात क्या थी कि भैया अंग्रेजों ने बोला हमको पैसे दो, अब वीर वर्मा अपनी जेब से तो पैसे लाएगा नहीं, तो वीर वर्मा क्या करेगा, नीचे के किसानों को दबाना शुरू करेगा, उसके अंदर में जो इलाके हैं उनके किसानों को दबाना शुरू करेगा, उनको प्रताड़ित करना शुरू करेगा। तो ऑब्वियसली बात है जब एक्सेसिव टैक्स कलेक्शन होने लगेगा तो पीजेंट्स को गुस्सा आएगा, और पीजेंट्स जाएंगे पजसी राजा के पास, इनके पास, कि सर हमको बचाओ, आप ही तो हमारे राजा हो, हमको बचाओ। पजसी वर्मा के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, पजसी वर्मा इन पीजेंट की लीडरशिप लेगा, लोगों की लीडरशिप लेगा और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक जंग छेड़ देगा, और भैया गोरिल्ला वॉरफेयर होगा तगड़ा। गोरिल्ला वॉरफेयर में ये लोग, अब देखिए दोस्तों
इस तरीके के लीडर्स गुरिल्ला वॉरफेयर क्यों करते थे, इस चीज को समझना भी बहुत जरूरी है। इनको ये पता था कि सामने जो अंग्रेजी आर्मी है वो बहुत ज्यादा वेल डिसिप्लिन्ड है, उसके पास हथियार अच्छे हैं, उसकी ट्रेनिंग अच्छी है, तो हम सीधे सीधे प्लेन इलाके में अगर इनसे जंग लड़ने चले गए तो हार जाएंगे। तो हमारी स्पेशलिटी क्या है? गुरिल्ला वॉरफेयर। गुरिल्ला वॉरफेयर में चुपचाप से आओ, थप्पड़ मारो, वापस चले जाओ। जंगलों में अगर गुरिल्ला वॉरफेयर हुआ तो अंदर से आओ, चाकू मारो, छुप जाओ, पीछे से आओ, किसी को भाला मारा, चुप गए। इस तरीके की चीजों में गुरिल्ला वॉरफेयर होता था। मराठा से गुरिल्ला वॉरफेयर में बहुत हिट थे, देश के बहुत सारे भागों में गुरिल्ला वॉरफेयर होता था। इवन म्यांमार में जब एंग्लो बर्मा वॉर हुआ था तब भी गुरिल्ला वॉरफेयर की टेक्निक को इस्तेमाल किया था म्यांमार के लोगों ने। बट फिर भी पजासी राजा की जो आर्मी थी थोड़ी कमजोर थी। 1797 में एक तरीके की पीस ट्रीटी साइन हुई। अंग्रेजों को भी लगा कि भैया ये लोग गुस्सा हो रहे हैं, कुछ अरेंजमेंट कर लेते हैं, मिडिल टाइप का अरेंजमेंट करके इन लोगों को शांत कर देते हैं। ये क्वालिटी थी अंग्रेजों की। अंग्रेजों को लगता था कि किसी जगह पे इन्वॉल्व होने से जितना उनको फायदा नहीं हो रहा है, अगर उतना उनको लॉस हो रहा है तो वो वहां पे पीस ट्रीटी कर लेते थे। तो 1797 में उन्होंने पजसी राजा के साथ भी एक पीस ट्रीटी करी कि चलो भाई पीस ट्रीटी कर लेते हैं, बेफिजूल में लड़ने का कोई फायदा नहीं है। अब जब किसान ही टैक्स नहीं देंगे तो हम क्या कर लेंगे? जब पीजेंट्स, और पीजेंट्स उस समय पे सबसे बड़ा तबका था, अगर यही तबका इस पर्सन को सपोर्ट कर रहा है तो हम यहाँ से टैक्स वसूल ही नहीं पाएंगे, बिना बात में इनको दबा के मार के होने क्या वाला है। तो 1797 में एक पीस ट्रीटी साइन हो गई, कुछ समय के लिए बवाल रुक गया। लेकिन आप देखोगे 1800 में ये बवाल फिर से शुरू होगा। इसीलिए मैंने आपको दो टाइम लिमिट्स बताई। सबसे पहले बवाल हुआ 1797 में। शुरुआत कैसे हुई? 1790 में बोला गया कोटावन को आजादी दी जाएगी। 1792 में अंग्रेज अपने वादे से मुकर गए, बोले कोई आजादी नहीं, वीर वर्मा को गद्दी बैठा दिया। वीर वर्मा ने जब ऑप्रेसिव टैक्स कलेक्शन किया तो 1797 में बिगुल बजा दिया। इनफैक्ट 1797 में नहीं, 1793 में ही बवाल शुरू हो गया था। पजसी राजा इस बवाल के लीडर थे। 1797 में एक पीस ट्रीटी साइन होगी पजसी राजा के साथ। तो 1797 में फिलहाल के लिए रुक गया मूवमेंट। लेकिन आप देखोगे 1800 में मूवमेंट फिर से शुरू होगा। वायानाड की जो जगह है ना केरला में, उस वायानाड की जगह के रिस्पेक्ट में यह बवाल फिर शुरू होगा। हुआ क्या दोस्तों, टीपू सुल्तान हार गया फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में। जब टीपू सुल्तान फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में हार गया तो वायानाड का पोजेशन चला गया ब्रिटिशर्स के पास। पजसी राजा ने बोला कि देखिए हमारी एंशियंट प्रोविजंस में आता है वायानाड, ये वायानाड हमारे पास होना चाहिए। अंग्रेजों ने बोला तुम कौन भाई, निकलो यहां से। इनफैक्ट 1797 में जब पीस हुआ था दोस्तों, उसके बाद भी पजसी राजा के बीच में और ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में चीजें सही नहीं थी। भले ही 1797 में पीस ट्रीटी हो गई थी, उसके बाद भी ब्रिटिशर्स अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे। इस इलाके के जो कि पजसी राजा के अंदर था, वहां के किसानों से ज्यादा टैक्स मांग रहे थे, जितना टैक्स देने की बात हुई थी उससे ज्यादा टैक्स मांग रहे थे। बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स पजसी वर्मा के लिए क्रिएट कर रहे थे ब्रिटिशर्स। फिर आप देखोगे जब टीपू सुल्तान हार जाएगा और मर जाएगा तो वायानाड का कंट्रोल चला जाएगा ब्रिटेन के पास। पजसी वर्मा बोलेगा ये वायानाड हमारी एंशियंट टेरिटरीज में आता है, ये वायानाड हमको दीजिए। वायनाड देने से ब्रिटेन मना कर देगा पजसी राजा को। तो इसके चक्कर में फिर से बवाल छिड़ जाएगा, किसके बीच में? पजसी राजा के बीच में और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। फिर पजसी राजा क्या करेगा? देखिए जितनी भी कम्युनिटीज थी आपकी केरला में, जैसे कि एक बहुत मेजर कम्युनिटी थी नायर कम्युनिटी, उसके बाद मपीलास थे, मपीलास जानते हैं ना, मोपला रिवॉल्ट हुआ था वो वाले मपीलास, ये भी केरला में एक बड़ी क्वांटिटी में थे, और पठान्स। इन सबको इकट्ठा किया पजसी वर्मा ने, और नायर, मपिलास और पठान इन सबको ऑर्गेनाइज किया। इनफैक्ट आप देखोगे इन तीनों कम्युनिटीज में और बहुत सारे ऐसे लोग थे, जब फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर खत्म हुआ, टीपू सुल्तान खत्म हो गया, टीपू सुल्तान के आर्मी में जो सोल्जर्स थे वो एकदम से अनएम्प्लॉयड हो गए। उन सोल्जर्स को भी कुछ चाहिए था, उन सोल्जर्स को भी लग रहा था कि भाई हमारा लाइवलीहुड इन अंग्रेजों की वजह से चला गया, तो वो भी पजसी वर्मा के पीछे आ गए। तो पजसी वर्मा ने तगड़ा ऑर्गेनाइजेशन किया, नायर्स को, मपिलास को, पठान्स को, वो सोल्जर्स जो पहले टीपू सुल्तान की आर्मी में काम करते थे, उनको जोड़ के एक लड़ाई छेड़ दी अंग्रेजों के अगेंस्ट में। फाइनली आप देखोगे लड़ाई काफी समय तक चलेगी, 1800 से लेके 1805 तक ये लड़ाई चलेगी। एंड में आप देखोगे केरला सिम्हम यानी कि पजसी राजा की मृत्यु हो जाएगी, ओके, और उसके बाद ये जो रिबेलियन है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इनफैक्ट देखिए जो पजसी राजा थे ना, अंग्रेजों के खिलाफ तो ये लड़े ही, इनकी लड़ाई इनसे पहले के जो राजा थे और इनकी लड़ाई हैदर अली से भी रही थी,
टीपू सुल्तान से मिली थी। चूंकि देखिए हैदर अली और टीपू सुल्तान का जो मैसूर राज था वो पजसी राजा का जो कोटायम था उसके साथ बाउंड्री बनाता था, तो ऑब्वियस ही बात है ये लोग बीच की टेरिटरीज के लिए अक्सर कर लड़ा करते थे। तो पजसी वर्मा जो कि कट्टायम के रूलर थे उनकी पहले लड़ाई मैसूर के राजाओं से भी होती थी टीपू सुल्तान वगैरह की, और बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भी लड़ाई में आ जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, सिविल रेबेलियन इन अवध के बारे में बात करेंगे। यहां पे क्या बातचीत करी गई है, तो भैया 1799 में रेबेलियन हुआ है। वजीर अली खान ये थे भैया फोर्थ नवाब ऑफ अवध, और ये गद्दी पर बैठे किसकी मदद से, ब्रिटेन की मदद से। गद्दी पर कब बैठे, सितंबर 1797 में। लेकिन ये गद्दी पर बैठेंगे तो ये क्या चाहेंगे, मैं रूल करूं। ब्रिटेन बोलेगा हमने तुमको गद्दी पर बैठाया तो तुम किसके हिसाब से रूल करोगे, हमारे हिसाब के रूल करोगे। और ब्रिटेन और इनके बीच में हो जाएंगे रिलेशन खराब। ब्रिटेन की हमेशा से वही बात कि ब्रिटिश की बात अगर नहीं मानोगे तो तुम गद्दी से हटो, तुम्हारी जगह कौन बैठेगा, सदात अली खान टू। अब इस बात पे वजीर अली खान नाराज हो गए, अरे यार तुमने मुझे गद्दी से बैठा के किसी और को गद्दी पर बैठा दिया। सदात अली खान को बहुत गुस्सा आया। सदात अली खान को क्या बोला अंग्रेजों ने, इतना पैसा लो और जाके बनारस में रहो। और बनारस में भेज दिया सदात अली खान को रहने के लिए। चुपचाप बनारस में जाके सदात अली खान रहने लगे, सॉरी वजीर अली खान। वजीर अली खान नवाब थे, 1797 सितंबर में ये गद्दी पर बैठे। इनके जब ब्रिटेन के साथ रिलेशंस खराब होने लगे तो इनको हटा के इनके अंकल सदात अली खान टू को गद्दी पर बैठा दिया गया। वजीर अली खान बहुत नाराज हुए। जब वजीर अली खान को गद्दी से हटाया गया तो ब्रिटेन ने कहा बनारस जाओ और बनारस में कुछ पेंशन लो और बैठ के वहां पे अपनी जिंदगी जियो आराम से, अब गद्दी भूल जाओ तुम अवध की। तो वजीर अली खान बनारस चले गए। बनारस जाके ये रह तो रहे थे पर इनको गुस्सा बहुत था। He was very angry with the behavior of Britishers. तो करे क्या? इनको अपना गुस्सा उतारने का एक मौका मिला। कब मौका मिला? एक ब्रिटिश रेजिडेंट थे दोस्तों जिनका नाम था जॉर्ज फ्रेडरिक चेरी। जॉर्ज फ्रेडरिक चेरी, इस नाम को आप याद रखो ना रखो फर्क नहीं पड़ता। बनारस में ब्रिटेन के रेजिडेंट थे जॉर्ज फ्रेडरिक चेरी ने वजीर अली खान को अपने घर बुलाया कि आओ यार खाना वाना खाते हैं। लंच पे बुलाया, कुछ जगहों पे ब्रेकफास्ट लिखा है, यहाँ लंच लिखा है। अब जिस पे भी बुलाया, अब स्पेक्टर में लंच लिखा है तो लंच मान लेते, तो इनको लंच पे बुलाया गया। वजीर अली अपने गार्ड्स वगैरह लेके पहुंचे, उन्होंने जॉर्ज फ्रेडरिक चेरी को मार दिया। साथ साथ जॉर्ज फ्रेडरिक चेरी के साथ कुछ और यूरोपियंस थे उनको भी मार दिया। और खास बात है दोस्तों, बनारस के जो उस समय के मजिस्ट्रेट थे, ये फोटो दिखा रखी है बनारस के मजिस्ट्रेट, इस बनारस के मजिस्ट्रेट को भी मारने पहुंच गया वजीर अली खान। बाहर देखिए वजीर अली खान के फॉलोवर्स खड़े हुए हैं। ये बनारस के मजिस्ट्रेट को भी मारने पहुंच गया, ये तो कहो सही समय पे अंग्रेजी फोर्सेस ने आके बनारस के मजिस्ट्रेट को बचा लिया, नहीं तो उनको भी मार देता। मजिस्ट्रेट का नाम था सैमुअल डेविस। सैमुअल डेविस ही तो बच ही गए, नहीं तो सैमुअल डेविस भी उस दिन चले जाते। इस पूरी एक्टिविटी को बोला गया मैसेकर ऑफ बनारस। मैसेकर क्यों? क्योंकि सबसे पहले रेजिडेंट को मारा, उस रेजिडेंट के साथ जो यूरोपियंस थे उनको मारा, और फिर सैमुअल डेविस जो कि मजिस्ट्रेट था बनारस का उसको मारने पहुंच गया वजीर अली खान। तो मतलब वजीर अली खान पागल सा हो गया, इसने कहा सबको मार दूंगा। अच्छा, वजीर अली खान की कुछ फॉलोअरशिप थी, वजीर अली खान को लोग मानते थे, उसने कुछ हजार लोगों की आर्मी भी इकट्ठी कर ली थी और उसने एक तरीके से बिगुल बचा दिया कि भैया मैं तो अवध की गद्दी पर बैठूंगा, ये अंग्रेज मेरे खिलाफ है। लेकिन ऑब्वियसली बात है अंग्रेजों की आर्मी बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज थी, इसके सामने वजीर अली खान कुछ भी नहीं था। तो वजीर अली खान जब अंग्रेजों से लड़ा तो वो हार गया। उसके बाद जब वजीर अली खान को लगा कि अब मैं हार गया हूं, ये अंग्रेज मुझे पकड़ के मार देंगे, तो ये भाग गया। और इसको शरण किसने दी? इसको शरण दी जयपुर के राजा ने। ये भागा और जयपुर के राजा ने इसको शरण दी। जब अंग्रेजों को पता चला कि भैया ये हमारे इतने सारे रेजिडेंट को और यूरोपियंस को मार के भाग के जयपुर के राजा को पास जाके इसने शरण ले लिए, तो जयपुर के राजा से अंग्रेजों ने बात की। आर्थर वेलेसली ने जयपुर के राजा को चिट्ठी भेजी कि भाई ये वजीर अली खान हमारे लोगों को मार के भागा है, इसे हमारे हवाले करो, इसको हमारे पास करो एक्स्ट्राडाइट। अब अगर राजा ऑफ जयपुर इनको एक्स्ट्राडाइट कर देता तो ऑब्वियसली बात है वजीर अली खान को मार देते। तो राजा ऑफ जयपुर ने अंग्रेजों के सामने शर्त रखी कि मैं आपको वजीर अली खान हैंडओवर कर दूंगा, बट मेरी एक शर्त है, आप वजीर अली खान को फांसी पर नहीं चढ़ाएंगे, आप उसको हैंग नहीं करेंगे, दूसरा आप उसको फेटर्स में नहीं रखेंगे। फेटर्स मतलब आप उसको बंद करके, मतलब उसके हाथों में हथकड़ियां डाल के, पैरों में हथकड़ियां डाल के बंद करके जेल में नहीं रखेंगे। ये दो कंडीशंस रखी है राजा ऑफ जयपुर ने अंग्रेजों के सामने कि मैं आपको दे तो दूंगा वजीर अली खान, लेकिन आप वजीर अली खान को कुछ करोगे नहीं। अंग्रेज इन शर्तों को मान गए।
दिसंबर 1799 में वजीर अली खान को हैंडओवर कर दिया अंग्रेजों को, और अंग्रेजों ने वजीर अली खान को रखा फोर्ट विलियम कैलकाटा में। तो ये थी पूरी कहानी आपकी वजीर अली खान की। एंड में वजीर अली खान को मारा तो नहीं गया, चूंकि राजा ऑफ जयपुर के साथ एक डील थी और राजा ऑफ जयपुर के साथ डील को अंग्रेज फालतू में तोड़ना नहीं चाहते थे, बट वजीर अली खान भी कुछ खास अंग्रेजों का नुकसान कर नहीं पाया, कुछ लोगों को उसने मार दिया। ओके, अगली अपराइजिंग पे चलते हैं। अपराइजिंग इन गंजम एंड गुमसूर। उड़ीसा का मैप देखिए तो अभी के लिए आपको गंजम कहां नजर आ रहा है, उड़ीसा की कोस्ट में यहां पे नजर आ रहा है, ठीक है। नॉर्दर्न सरकार्स के इलाके में उस समय पे गंजम आता था। तो ये जो गंजम का इलाका था और इसके आसपास का जो इलाका था, यहां पे ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट हो गया बवाल। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि नॉर्दर्न सरकार्स को कैसे थोड़ा थोड़ा करके जीता अंग्रेजों ने। तो नॉर्दर्न सरकार्स के एक हिस्से को यहां पे कैसे जीत रहे हैं, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। गंजम में एक जगह है गुमसूर नाम की। इस गुमसूर में एक जमींदार हुआ करता था जिसका नाम था स्त्रीकरा भांज। इस जमींदार की इस इलाके में बहुत चलती थी। पहले ये लोग अंग्रेजों को रेवेन्यू वगैरह देते थे। 1797 में इसने अंग्रेजों को रेवेन्यू देने से कर दिया मना। 1800 आते आते इसने बोला कि मैं अंग्रेजों की किसी भी अथॉरिटी को नहीं मान रहा, मैं एक इंडिपेंडेंट रूलर हूं, मैं कोई पैसा इन अंग्रेजों को नहीं दूंगा। ये किसने बोला? स्त्रीकरा भांज ने। स्त्रीकरा भांज का सपोर्ट कौन कर रहे थे? तो पीजेंट्स, जितने भी फार्मर कम्युनिटी के लोग थे वो कर रहे थे, क्योंकि वो अंग्रेजों के ऑपरेशन से बहुत ज्यादा परेशान थे। अंग्रेजों ने बोला तुम ये कैसे कर सकते हो? तो अंग्रेजों का भी आपको पता था, अंग्रेज एक कॉलोनियल पावर थी, अगर उनकी अथॉरिटी के अगेंस्ट कोई आवाज उठाएगा वो उतनी दुगनी स्पीड के साथ पलट के वॉर करेंगे। तो अंग्रेजों ने भी पलट के वॉर किया। अब यहां पे देखिए, ये जो आपका पर्सन है स्त्रीकरा भांज, ये अकेले नहीं लड़ेगा। ये स्त्रीकरा भांज एक अलायंस बनाएगा आसपास के रूलर्स के साथ। अब ये अलायंस किसके किसके साथ बनेगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। किताब में लिखा है तो आपको जिलानी देव नाम का एक रूलर दिख जाएगा विजयनगर का, फिर जगन्नाथ देव दिख जाएगा। इनके साथ एक अलायंस बना के ये अंग्रेजों से लड़ने की कोशिश करेगा। 1800 से लेके 1804 तक कुछ माइनर स्किर्मिशेस होंगी, कुछ थोड़ी बहुत लड़ाई होगी। 1804 आते आते एक तरीके का एग्रीमेंट हो जाएगा स्त्रीकरा भांज और अंग्रेजों के बीच में, ठीक है। तो आप देखोगे स्त्रीकरा भांज ने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजा दिया। 1800 में ये लड़ाई शुरू हुई और 1800 से 1804 तक कुछ माइनर स्किर्मिशेस होती रही। उसके बाद में स्त्रीकरा भांज और अंग्रेजों के बीच में एक एग्रीमेंट सा हो गया। फिर आप देखोगे कि स्त्रीकरा भांज का बेटा धनंजय भांज ये पावर में आएगा धीरे धीरे। ये भी अंग्रेजों को पसंद नहीं करता था। तो आप देखोगे कि जब स्त्रीकरा थोड़ा बूढ़ा होने लगेगा, धनंजय भांज बड़ा होने लगेगा, तो धनंजय भांज अपने बाप से बोलेगा कि पिताजी अब आप जाइए, अब मैं राज करूंगा। तो धनंजय भांज ने अपने बाप स्त्रीकरा को उस इलाके से निकाल के खुद गद्दी पर बैठ गया, और गद्दी पर बैठने के बाद उसने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजा दिया। इसको भी अंग्रेज पसंद नहीं थे। तो 1807-1808 में उसने अपने पिताजी के राज को खत्म करके खुद गद्दी पर बैठा और उसने अंग्रेजों के खिलाफ भी रेबेलियन चला दिया। अंग्रेजों का राज उसको भी पसंद नहीं आ रहा था। अंग्रेजों ने उसके साथ लड़ाई की। 1815 में धनंजय भांज भी अंग्रेजों से हार गए। ये हो गया। तो सबसे पहले स्त्रीकरा भांज ने बिगल छोड़ा 1797 में, 1800 लड़ाई शुरू हुई, 1804 तक एक एग्रीमेंट हो गया। 1807 और 1808 के लगभग धनंजय भांज जो कि स्त्रीकरा का बेटा था, उसने अपने बाप को उस जगह से निकाला, अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ दी। 1815 तक आते आते धनंजय भांज अंग्रेजों से हार गया। अब आप देखोगे कि फिर से स्त्रीकरा की री एंट्री होगी। स्त्रीकरा गंजम वापस आएगा और उसको जमींदार कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, लेकिन गवर्नमेंट, अंग्रेजी गवर्नमेंट एक शर्त रखेगी। ये बोलेगी कि देखो पहले तुमने बवाल किया, फिर तुम्हारे बेटे धनंजय ने बवाल किया, अब हम तुमको फिर से जमींदार बना रहे हैं, बशर्ते तुम हमको एरियर्स दोगे, पैसा दोगे हमको, रेवेन्यू दोगे तुम। ये अंग्रेजों ने बोला और ये बोल के स्त्रीकरा को गद्दी पर बैठा दिया, जमींदारी दे दी उस इलाके की। अब आप देखोगे कि स्त्रीकरा पैसा दे नहीं पाएगा। ये सिंपल सी बात थी दोस्तों, अंग्रेज जितना पैसा मांगते थे ज्यादातर रूलर्स उतना पैसा दे नहीं पाते थे। स्त्रीकरा अब लड़ने की हालत में उतना था नहीं। तो स्त्रीकरा को एक समय के बाद समझ में आया कि भाई मेरा बेटे की पॉपुलैरिटी अभी मुझसे ज्यादा है, इसलिए स्त्रीकरा भले ही उसको जमींदार बनाया था अंग्रेजों ने, स्त्रीकरा ने बोला कि भाई मैं जमींदारी छोड़ रहा हूं, मेरी जगह पर राज कौन करेगा? धनंजय भांज। और धनंजय भांज फिर से रूलर बना
और फिर से धनंजय भांज ने एक रेबेलियन छोड़ दिया अंग्रेजी फोर्सेस के अगेंस्ट। और अंग्रेजी फोर्सेस के अगेंस्ट जब रेबेलियन छोड़ा तो नवंबर 1835 में गुमसूर और कोलाड़ा नाम के इलाके को कब्जा लिया धनंजय भांज ने। तो भैया ब्रिटेन भी कम मांगने वाले तो है नहीं, ब्रिटेन ने भी पलट के तगड़ा तरीके से रिस्पॉन्ड किया, बहुत तगड़े तरीके से ऑपरेशन हुआ। ब्रिटेन ने ऑफिशियल था रसल, उसको अपॉइंट कर, रसल को फुल डिस्क्रिशनरी पावर दी, जिसे चाहे उसे मार दो, जिसे चाहे उसे अरेस्ट कर लो। तो ये स्ट्रगल चलता रहेगा। अनफॉर्चुनेटली स्ट्रगल में दिसंबर 1835 में धनंजय भांज की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन धनंजय भांज एक पॉपुलर रूलर था तो उसके फॉलोअर्स इस रेजिस्टेंस को जारी रखेंगे। लेकिन फाइनली फरवरी 1837 में जो धनंजय भांज के बाद इस मूवमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट रूलर था, जिसका नाम था दूरा बिसई, दूरा बिसई को भी अंग्रेज कैप्चर कर लेंगे। और दूरा बिसई के कैप्चर होने के बाद ये जो आप कह सकते हो मूवमेंट था, ये जो रेबेलियन था, ये दब जाएगा। तो सबसे पहले आया स्त्रीकरण, उसके बाद धनंजय भांज, और धनंजय भांज के बाद दूरा बिसई। ये आपका कह सकते हैं रेबेलियन इन गंजम एंड गुमसूर। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने आज के आर्टिकल में आपसे डिस्कस की। अगले आर्टिकल्स में अपराइजिंग इन पलामू और पॉलीगार वार के बारे में बात करूंगा और भी बहुत सी चीजें आपको बताऊंगा। सो आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है, जितना ज्यादा डिटेल में हो सक रहा है। अब वैसे तो मैंने कोशिश की थी पॉलीगार वार्स को भी इसमें जोड़ू, पलामई को भी जोड़ू, लेकिन देखिए दोस्तों अब मैं वीडियोस को लिमिटेड ड्यूरेशन का रख रहा हूं। एक लिमिट से ज्यादा लंबी वीडियोस बनाना स्टैटिस्टिक्स के हिसाब फेवर कर नहीं रहा है, बहुत हैंडफुल ऑफ लोग देख रहे हैं, इसलिए मैं ज्यादा वीडियोस बना रहा हूं। लिमिटेशन जो वीडियो की ड्यूरेशन है वो थोड़ी कम रख रहा हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, आई होप आपको पसंद आई हो, तो ज्यादा से ज्यादा लोग सब इसको शेयर करें। हैव अ ग्रेट डे।